तो गूगल जी ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। तो अभी तक जो है रास्ता जो है स्ट्रेट दिखा रहा था, पर अचानक यहाँ पे आते ही ये जो रास्ता है आगे दिख रहा है, ये वाला रास्ता दिखा रहा है। तो कन्फ्यूजन हो रहा था मुझे कुछ, और क्योंकि मैं इस रास्ते से पहली बार जा रहा हूँ तो मुझे उतना आइडिया भी नहीं है। तो मैंने यहाँ के लोकल से पूछा, उन लोगों ने बताया कि ये जो रास्ता है ये जाता है दार्जिलिंग की ओर, और ये रास्ता अच्छा है, मतलब ठीक रास्ता है, एकदम अच्छा रास्ता है। पर जैसा कि लग रहा है कि थोड़ा स्टेप है, पर ठीक है, ओके है। पर रास्ता यहाँ का अच्छा बताया इन लोगों ने। पर ये देखिए गूगल मैप पूरा घूम चुका है, इसका दिमाग पूरा ख़राब हो चुका है। अभी जो लोग मतलब मैप के सहारे ट्रैवल करते हैं उनको पता है कि गूगल मैप कितना धोखा देता है। तो इसलिए मैंने लोकल से पूछ लिया, और आगे अगर कोई मिलेगा तो फिर मैं पूछ लूँगा फिर भी। पर देखते हैं अभी क्या होता है, अगर रास्ता गलत हुआ तो भाई फिर पहुँच तो जाएंगे पर टाइम लग जाएगा, यही है। चलिए फिर देखते हैं आगे। तो जब हम लोग पहाड़ों में ट्रैवल करते हैं तो उस टाइम पे बीच बीच पे ये छोटे छोटे गांव दिख जाते, तो वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो देखिए कितना सुंदर है ये गांव, मुझे इस जगह का नाम तो पता नहीं है, पर देखिए कितना सुंदर जगह है, कितना सुंदर। और ये जो रास्ता है भाई, जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ ये एकदम मतलब क्या बोलूँ, एकदम खाली खाली है, लोग बहुत ही कम दिख रहे हैं। तो पर ठीक है, अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी यहाँ पे थोड़ा पूछ लेते हैं कि रास्ता कहाँ पे है। वैसे गूगल जी का दिमाग तो एकदम घूम चुका है, पता नहीं कुछ मतलब क्या ही रास्ता दिखा रहा है, एकदम उल्टा पुल्टा। तो ये रास्ता जो है भाई बहुत बहुत ही खूबसूरत है, और मतलब और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि ये रास्ता पूरा खाली है, मतलब हार्डली कोई गाड़ी दिख रही है, गाड़ी या कोई आदमी दिख रहा है यहाँ पे। तो एकदम खाली रास्ता में पूरा मतलब बहुत ही मस्त है, और चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए लेफ्ट साइड में बहुत शानदार व्यू है। तो भाई क्या ही रास्ता है, बहुत सही बहुत सही। मुझे तो लग रहा है आगे और भी शानदार होगा। और आसमान में थोड़ा बादल है, मतलब उतना नहीं, पर आसमान वैसे साफ है। अभी जाके देखते हैं वहाँ पे क्या कैसा वेदर है। तो लेट्स सी, चलिए। भाई देखिए ये जगह कितना सुंदर है, कितना प्यारा जगह है ये, मतलब क्या ही बोलूँ। देखिए सामने एक बटरफ्लाई बैठा हुआ है, और देखिए झरना, और चारों तरफ मंता फ्लैग्स लगे हुए हैं। आई थिंक ये कोई हॉली जगह है, मतलब आई थिंक यहाँ पे कोई पूजा पाठ वगैरह होता है, तभी देखिए चारों तरफ माला लगा हुआ है। तो भाई ये जगह पूरा मतलब क्या ही बताए, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। और देखिए कि ये जो जगह है एकदम खाली है, कोई नहीं है। अभी तो दिल तो कर रहा है कि यहाँ पे रुक के फ़ोटो ले, पर थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि पहाड़ों में पता ही आप लोगों को लेपर्ड्स होते, भालू होते हैं, तो वो रिस्की हो जाएगा थोड़ा। तो अभी मैं निकल जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या होता है। पर ये जगह भाई बहुत सुंदर लगा मुझे, बहुत सुंदर। ये आ गया जोड़ बांगलो मोड़, और यहाँ से हम लोगों को राइट जाना होगा। और अगर आप लोग जाना चाहते हो लामा हट्टा तीन चूल्हे की तरफ, तो आप लोगों को यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा, और हम लोग राइट साइड से एकदम जो है घूम होके उसके बाद लेफ्ट साइड जगह होके फिर जोड़ पखड़ी तक जाएंगे। तो अभी चलते हैं। अभी भाई रास्ते में बीच बीच में बहुत ठंड लग रहा है,
पर अभी अगर मैं थर्मल निकालूंगा तो भाई उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर थर्मल डालो बहुत दिक्कत है। तो अभी ठीक है, कभी कभी फॉग भी हो रहा है, पर अभी जो मेन सीन है वो है भाई बहुत भूख लग चुका है, बहुत ही भूख लग गया है। सुबह जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट किया था, अभी यहाँ पे सोच रहा हूँ रुक के थोड़ा केला खा लूँ, और ब्रेड मिलता है तो ब्रेड भी खा लूँगा। तो अभी रुकते थोड़ा खाना वाना खा लेते फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी पेट तो भर चुका है, ब्रेड तो नहीं मिला, मैंने ब्रेड ढूंढा पर केला मिल गया था, तो दो तीन ठूस लिया मैंने। अभी कुछ देर काम चल जाएगा। तो अभी घड़ी में 2 बज रहे हैं और यहाँ से कुछ अभी 18 किलोमीटर्स दिखा रहे हैं जो लोकेशन है वो, और कुछ 45 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है। तो आई थिंक 3 बजे के अंदर मैं पहुँच जाऊँगा। तो मैंने फ़ोन करके जो भैया है वहाँ पे उनको लंच का बोल दिया है, लंच में चिकन बनेगा। तो अभी जाते, अभी वहाँ जाके फिर लंच करेंगे। और ये देखिए राइट साइड में टॉय ट्रेन का ट्रैक है ये, तो घूम भी सामने ही है, एकदम सामने घूम स्टेशन है। तो इस जगह पे थोड़ा कंजेस्टेड रहता है, यहाँ पे थोड़ा जैम रहता है, आज तो फिर भी क्लियर ही है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उस टाइम पे मैं बाइक पे नहीं गाड़ी पे आया था, तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत हेवी ट्रैफिक जैम था। तो अभी तो ठीक है, इतना तो चलता है। तो ये आ गया घूम, द फेमस घूम स्टेशन। देखिए कितना छोटा सा प्यारा सा स्टेशन है, यहाँ पे टॉय ट्रेन रुकता है। तो अभी हम लोग सीधा जाएंगे एकदम डेस्टिनेशन की तरफ, जो लिटिल फॉरेस्ट होम्स है वहाँ पे। बीच में कहीं पे भी नहीं रुकेंगे, नो ब्रेक्स और फ़ोटो के लिए भी नहीं, सीधा जाएंगे वहाँ पे, वहाँ पे जाके लंच करेंगे। आई थिंक 3 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। सो लेट्स सी। तो ये आ गया पाइन फॉरेस्ट, दोनों तरफ देखिए भाई बहुत सुंदर रास्ता है, बहुत ही मस्त रास्ता है। और ये रास्ता खाली नहीं, यहाँ पे टूरिस्ट कार्स भरे पड़े हैं, मतलब बहुत सारे टूरिस्ट कार्स जा रहे हैं। तो ये आ गया फाटक, और देखिए ये जगह भी बहुत ही सुंदर है, और आप लोगों को यहाँ पे भी रहने के लिए होम स्टेज मिल जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर जगह है, अभी देखिए चारों तरफ फॉग ही फॉग है। तो अभी इसके बाद आएगा लेपचा जगत, मैं पहले लेपचा जगत जा चुका हूँ, तो हम लोग लेपचा जगत से सीधा निकल जाएंगे एकदम। तो देखिए भाई कितना सुंदर जगह है, कितना सुंदर है। तो ये आ गया लेपचा जगत, और देखिए कितना सुंदर जगह है, ये बहुत ही सुंदर है। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तब उस टाइम पे बहुत ठंड था, बहुत ही ठंड था यहाँ पे। पर अभी जो वेदर है अभी देखिए पूरा क्लाउडी है, नहीं तो यहाँ से पूरा कंचनजंगा का रेंज दिखता है। तो दोनों साइड पे होम स्टेज है, ये जगह पूरा होम स्टेज से एकदम भरा हुआ है। तो अगर आप लेफ्ट साइड में रुक रहे हो, लेफ्ट साइड वाले होम स्टेज पे, तो आप लोगों को रूम से कंचनजंगा का व्यू नहीं दिखेगा, पर राइट साइड में ऊपर जो होम स्टे है वहाँ से पूरा एकदम रूम से आप लोगों को कंचनजंगा का व्यू मिल जाएगा। और हम लोग लेफ्ट साइड में थे, तो ये देखिए राइट साइड से ये जगह है, यहाँ से आप लोग व्यू पॉइंट की तरफ जाओगे। और ये जगह बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, और व्यू पॉइंट पे आप लोगों को तरह तरह के सुंदर बर्ड्स भी दिख जाएंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर बर्ड्स है वहाँ पे। तो यहाँ से यू टर्न लेना था, मैंने मिस कर दिया। कोई नहीं, ये सुखिया पोखरी है, आगे ही राइट साइड में आप लोगों को सुखिया पोखरी का पेट्रोल पंप मिल जाएगा। और यहाँ से यू टर्न लेके मुझे सीधा जाना है एकदम। और जहाँ तक मुझे पता है ये जो रास्ता है ये उतना अच्छा नहीं है, बहुत ही मतलब ख़राब रास्ता है। अभी देखते हैं क्या होता है। लास्ट टाइम मेरे इन लॉज आए थे तो उन्होंने बताया कि ये जो रास्ता है मतलब ख़राब है, उतना अच्छा नहीं है। सो लेट्स सी। पर भाई रास्ता जो है देखिए पूरा एडवेंचरस है एकदम, और मस्त, एकदम मस्त रास्ता है। देखिए लेफ्ट साइड में पूरा पाइन फॉरेस्ट है, और एकदम जंगल है दोनों तरफ जंगल। तो भाई थ्रिल तो है, मज़ा भी है। लेट्स सी क्या होता है, आगे जाते हैं चल के देखते हैं। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं दिखा रहा है, एकदम पास ही दिखा रहा है रास्ता। सो लेट्स सी देखते कितना टाइम लगता है।
तो आदरणीय गूगल जी का दिमाग पूरा घूम चुका है, लेफ्ट साइड में रास्ता दिखा रहा है, देखिए तो यहाँ पे कोई रास्ता है ही नहीं। पर पता नहीं, इसको लग रहा है कि मैं पैराशूट लेके आया हूँ, पैराशूट लेके कूद जाऊँगा, तभी दिखा रहा है रास्ता ऐसा। भाई पता नहीं, तो अभी भाई फिर यू टर्न मार के जाके किसी से पूछना पड़ेगा, देखते पूछ के आते हैं। तो दो दीदी जा रही थी तो मैंने उनसे पूछा, वो लोग लोकल्स है, तो उन्होंने बताया कि रास्ता सही है, यही रास्ता है, यहाँ से थोड़ा दूर है, और जो रास्ता मैप में दिखा रहा है लेफ्ट साइड वाला, वो एक्चुअली पैदल रास्ता है। तो पता नहीं गूगल को क्या हुआ है, तो अभी चलते इसी रास्ते चलते, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जो है एक आध बूंद गिर रहा है बारिश का, बारिश ना हो यही उम्मीद करता हूँ, नहीं तो बारिश होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेट्स सी। और मैं फ़ोन भी लगा रहा हूँ, भैया को तो फ़ोन भी नहीं लग रहा है उनका। सो फाइनली बारिश स्टार्ट हो चुका है, देखिए भाई क्या बताएं, अभी अभी फिर से रेनकोट्स निकालना पड़ेगा। अभी पर यहाँ पे नहीं रुक सकते, यहाँ पे जैसे ही मैंने ब्रेक मारा वैसे ही थोड़ा स्किड हुआ चक्का। यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर है, इसीलिए अभी कहीं पे जहाँ पे थोड़ा प्लेन है वहाँ पे रुक कर रेनकोट्स निकालना पड़ेगा। तो ये जगह भाई जो है बहुत ही स्टिप है, और देखिए पूरा एकदम ख़राब रास्ता है, तो आगे जाके रुकना पड़ेगा। और डर तो और एक चीज़ की है कि यही वो रास्ता है जहाँ पे लेपर्स दिखते हैं बहुत, तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। भाई पूरा फुल ऑन एडवेंचर है, फुल एडवेंचर, मैं अकेला हूँ तो एडवेंचर ही एडवेंचर है। अभी देखते हैं क्या होता है, और भाई इनसे थोड़ा पूछ लेते हैं रास्ता, वैसे रास्ता तो ठीक ही है पर थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं। भैया ये लिटिल फॉरेस्ट होमस्टे इधर ही है ना? हाँ ओके, अच्छा, ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू। तो अच्छी खासी बारिश गिरनी स्टार्ट हो चुकी है, तो मुझे अभी रुक के जो है रेनकोट्स पहनना पड़ेगा। और भाई पीछे जब मैंने जैसे ही ब्रेक किया था वैसे ही स्किड मार गया था, छोटे छोटे पत्थर है तो, और स्टिप भी है बहुत। सो अभी देखते हैं अभी। फाइनली जो है लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, थोड़े लोग हैं यहाँ पे, पर भाई रास्ता जो है रास्ता अभी भी ख़राब है। और वैसे यही है रास्ता, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल फॉरेस्ट होम स्टे का एरो दिया हुआ है इधर। तो भाई वो पीछे जब मैं वहाँ पे रेनकोट पहन रहा था तो मुझे बहुत गलत वाला डर लग रहा था, मैं पूरा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे देख रहा था कि कहीं पर लेपर्ड तो नहीं बैठा है। तो क्या बताया, एडवेंचर है भाई एडवेंचर है। तो ये रास्ता जो है देखिए, पर दोनों साइड में एकदम फॉरेस्ट है, एकदम फॉरेस्ट, पर रास्ता भाई देखिए, बारिश भी हो रहा है इसलिए आई थिंक रास्ता ख़राब है। बाप रे क्या गड्ढा है, देखिए भाई ओरे बाप रे, पूरा टूट चुका है वो जगह, चक्का अगर गलती से वहाँ पे फंस गया तो भाई काम है। क्या बताए, रात में तो फिर भाई दिक्कत है यहाँ पे, वैसे आई डोंट थिंक रात में कोई यहाँ पे आता है। और देखिए भाई एकदम चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है, एकदम पूरा हॉन्टेड वेदर, एकदम भूतिया खतरनाक डरावना वाला रास्ता। एडवेंचर है भाई एडवेंचर, वो भी सोलो, मज़े है। जो फील मुझे मिल रहा है आप लोग ग्रुप में होगा तो वो फील नहीं मिलेगा।
डियर भाई 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 डियर भाई, बाप रे बार्किंग डियर था, मुझे देखते ही भाग गया भाई। खाना तो दिख गया, खाने वाला बस ना दिखे, बस लिपट ना दिखे अभी भाई। खतरनाक भाई, सही था, बहुत सही था भाई, एकदम ऊपर ही था, मतलब रोड के साइड में ही था, देखते ही भाग गया। बाप रे, अब सही है, बहुत सही है, सही साइटिंग हुई, मस्त। तो यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ जाना होगा, और देखिए रास्ता जो है एकदम स्टीप है, बहुत ही एकदम स्टीप रास्ता, और देखिए बाप रे बाप। और बीच 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 वाला जगह है वहाँ पे पूरा एकदम क्या बता, पूरा हरा हरा है एकदम भाई, पूरा स्किड मारेगा वहाँ पे जाएंगे तो। तो अभी भाई सही है भाई, एकदम एकदम स्टीप है। हाँ को भाई, मुझे लगता नहीं कि स्प्लेंडर वगैरह, स्प्लेंडर या ऐसी कोई बाइक चढ़ पाएगी, आई डोंट थिंक सो। तो ये है हिल्स व्यू होमस्टे, ये नहीं, तो ये ऊपर जो दिख रहा है वो वाला है। तो और भी ऊपर जाना है, तो भाई बस अभी, क्योंकि जो मेरे जो टायर्स है वो तो मतलब मोटे ऑफ रोड वाले टायर्स है, तभी इतना सही जा रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रहा है वैसे, पर अगर दूसरा कोई नॉर्मल टायर्स रहेगा तो आई थिंक वो स्किड कर जाएगा। तो अभी चलते हैं भाई, अभी तो ठीक है, पर कल जब मैं रिटर्न करूँगा उस टाइम पे अगर बारिश होगा तो भाई दिक्कत होगा, तो पक्का दिक्कत होगा। बस बारिश ना हो कल, यही मतलब चाहता हूँ, नहीं तो बारिश होगा तो फिर भाई फिर बहुत दिक्कत होगा, बहुत स्किड करेगा ये जगह, ये पूरा एकदम जो है कंक्रीट से बना हुआ है ये रास्ता, और ऐसे ग्रिपिंग के लिए यहाँ पे ऐसे कट कट भी दिए हुए हैं, तो सही है। अभी आ गए एकदम पूरा, अभी देखिए भाई कितना शानदार है, और भैया खड़े हुए वेलकम के लिए। भैया आगे लगा था ना यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ओके ओके भाई, ओके ओके थैंक यू। तो अभी यहाँ पे लगा देते हैं बाइक को, और फिर आप लोगों को दिखाएंगे भाई। अभी पूरा चारों तरफ एकदम क्लाउड्स है, तो कुछ नहीं दिख रहा है अभी, देखते हैं अगर बाद में आसमान साफ होगा तो आप लोगों को दिखा पाऊँगा, नहीं तो कल सुबह। तो चलिए देखते क्या होता है। होप यू गाइज हैव एंजॉयड द व्लॉग, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय। We were